हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अ कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन विद अ मैग्निफिकेशन ऑफ टू। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये क्या बनी है, स्क्रीन पर प्रोड्यूस, यानी रियल प्रोड्यूस हुई है। यानी क्या कह सकता हूं मैं, मैग्निफिकेशन इज एक्चुअल में माइनस ऑफ हाफ, जो कि बराबर है वी अपॉन यू, इंप्लाइज वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू बाय टू, ठीक है ना। व्हेन द लेंस इज मूव 30 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज ऑन द स्क्रीन इज टू। ठीक है भाई, तो एम डैश की वैल्यू माइनस ऑफ टू, माइनस क्यों लिखा, क्योंकि स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रहा है और रियल है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, वी डैश अपॉन यू डैश, वी डैश की वैल्यू माइनस ऑफ टू यू डैश, ठीक है ना। अब मैं पहले वाले सेक्शन के लिए, जब मैग्निफिकेशन माइनस ऑफ हाफ था, तब लेंस फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो वन बाय एफ इज इक्वल टू वन बाय वी माइनस ऑफ वन बाय यू, करेक्ट, यही होता है माइनस ऑफ यू, ठीक है। चलिए, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस तो ऊपर चला गया, सो इट दिस बिकम्स 3 बाय यू नेगेटिव में इज इक्वल टू 1 बाय एफ, यानी कि u इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3f, ठीक है। अच्छा, या उल्टा कर दे, अपन एक काम करते हैं, इंप्लाइज f इज इक्वल टू माइनस ऑफ u बाय 3, ठीक। उल्टा ही करते, चलो एक ही बात है वैसे वैसे तो, सो u इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3f, ठीक है। अब मैं दूसरे वाले पाता हूं, 1 बाय f इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2u डैश माइनस ऑफ 1 बाय u डैश, व्हिच वुड गिव मी 1 बाय f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ, माइनस क्यों होगा, ऊपर नीचे 2 2 ऐड करो, तो माइनस ऑफ 3 अपॉन 2u डैश, इंप्लाइज क्या कि u डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 बाय 2 f, करेक्ट। और u डैश की वैल्यू कितनी है, व्हेन द लेंस इज मूव 30 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, 30 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करा गया, यानी क्या मैं कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं कि u डैश इज इक्वल टू u माइनस ऑफ 30, ठीक है, u माइनस ऑफ 30। अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूं यहाँ पे, सो पुट अप, पुटिंग अप द वैल्यूज, माइनस ऑफ 3f बाय 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3f माइनस ऑफ 30। इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आता है 3f बाय 2 इज इक्वल टू 30, और रादर कितना, माइनस ऑफ 30, सो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ये फोकल लेंथ ऑफ लेंस आ गया मेरे पास 20 सेंटीमीटर, देख लो फटाफट एक बार, तो यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑल द बेस्ट।